दोस्तों, अगर आपके पास में इनकम के स्रोत ज़्यादा नहीं है और आपका सिविल स्कोर भी काफ़ी कम है, लेकिन आपको लाख सवा लाख रुपए तक के पर्सनल लोन की आवश्यकता है, तो नीरो एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर भाई अदर एप्लीकेशन की मैं बात करता हूँ, तो नीरो एप्लीकेशन आपको काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में ही लोन प्रोवाइड करवा देती है। नीरो एप्लीकेशन NBFC RBI के सभी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। तो इस एप्लीकेशन में आप अपने डॉक्यूमेंट सेफली प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो भाई, इस वीडियो में नीरो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। एप्लीकेशन से आप किस प्रकार लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कितने रुपये तक का एप्लीकेशन आपके लिए लोन ऑफर निकाल कर ला सकती है, मिले हुए लोन पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, एंड भाई लोन वापस चुकाने के जो टाइम है एप्लीकेशन आपको कितना देगी, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन को आपको सबमिट करने होंगे, A to Z प्रोसेस इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो भाई, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, एप्लीकेशन को सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में सिंपली आपको एप्लीकेशन को ओपन के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने नीरो एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब भाई, सबसे पहले आपके जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP लेके OTP से आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। ध्यान रहे, मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आपके आधार पैन कार्ड से लिंक हो। इसके बाद में आपको सभी चीज़ों को यहाँ पर परमिशन दे देनी है, स्टेप बाई स्टेप करके। सभी चीज़ों को परमिशन देने के बाद में आपके सामने यहाँ पर प्लीज वेट लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर का वेट करना है। इसके बाद भाई आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है, वो सारी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका जो भी पैन कार्ड के नंबर है, वो पैन कार्ड के नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे एंड भाई आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट रेजिडेंशियल पिन कोड, भाई आपके एरिया के जो भी पिन कोड है, वो पिन कोड आप यहाँ पर फिल कर देंगे एंड आपकी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। फाइनल आपका जो भी जेंडर है, मेल है या फीमेल है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नीचे टर्म्स पर आप क्लिक करेंगे एंड कन्फर्म एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप अपना प्रोफेशन यहाँ पर चुनेंगे कि आप सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है, तो हम यहाँ पर सैलरी पर्सन चुनेंगे एंड आपकी जो भी मंथली इनकम है, वो उस मंथली इनकम का चुनाव आप यहाँ पर कर लेंगे। इन एप्लीकेशन वालों को ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बताएंगे, ज़्यादा मंथली इनकम अगर आप दर्शाएंगे तो उतने ही चांसेस हो जाते हैं लोन अप्रूव होने के। तो मैंने यहाँ पर मंथली इनकम यहाँ पर दर्शा दी है और यहाँ पर मेरा प्रोफेशन मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। नीचे मैं यहाँ पर कन्फर्म एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा। मैं जैसे यहाँ पर कंटिन्यू एंड कन्फर्म के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो भाई आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा, पहले यहाँ पर आपकी जो डिटेल है, वो यहाँ पर थोड़ी देर वेरीफाई की जाएगी एंड आपसे कुछ और डिटेल यहाँ पर मांगी जाएगी। तो भाई, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से कभी लोन लिया हुआ है, पहले से आपका कोई लोन चल रहा है, तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। वेरी सिंपल, दोनों डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे एंड कन्फर्म डिटेल के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कन्फर्म डिटेल पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका एड्रेस है, वो मैनुअल एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एड्रेस मैनुअल फिल, एड्रेस मैनुअल फिल पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड के पीछे जो आपका एड्रेस है, वो सारा डिटो एड्रेस आप यहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं, ऑटो डेबिट आपको यहां पर सेट करना होगा। तो ऑटो डेबिट सेट करते ही भाई आपका जो लोन ऑफर है, वो लोन ऑफर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर प्लीज वेट यहां पर बोला जा रहा है और भाई फाइनल आप यहां पर देखेंगे हमारा जो लोन ऑफर निकला है, वो पूरे 1,20,000 रुपए का लोन ऑफर हमें निकल कर आ चुका है। आपको ये लोन ऑफर तभी दिखाई देगा, पहले आपको ऑटो सेटअप पे करना होगा। ऑटो सेटअप पे बेसिकली क्या होता है, लोन का अमाउंट जिस बैंक में आप रिसीव करेंगे, उस बैंक का आपके पास में डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर उस बैंक की आप नेट बैंकिंग चलाते हुए होनी चाहिए। तो डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के पीछे जो नंबर होते हैं, एक्सपायरी डेट होती है, CVC कोड होते हैं, उसके जरिए आप ऑटो सेटअप पे कर लेंगे, ताकि महीने के पर्टिकुलर डेट को आपकी जो EMI है, आपकी जो किस्त है, वो ऑटोमेटिकली पे हो सके। जब आप ये ऑटो सेटअप पे कर लेंगे, इसके बाद में ही आपको ये लोन ऑफर देखने को मिलेगा। मैंने ही सेटअप पे पहले मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है, तो मेरा जो लोन ऑफर है, मुझे यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो जैसा कि भाई मुझे यहाँ पर 1,20,000 रुपए का लोन ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं 1,20,000 रुपए का पूरा लोन यहाँ पर लेता हूँ, तो मेरी जो EMI बनेगी, वो 7,771 रुपए की यहाँ पर EMI बनेगी। यहाँ पर टेन्योर यानी जो टाइम पीरियड मुझे मिल रहा है, वो 18 महीने का मिल रहा है, कि 18 महीने के पीरियड के मैं ये लोन वापस चुका सकता हूँ। यहाँ पर जो पर ईयर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, वो 19.99% के हिसाब से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। मैं यहाँ पर अदर एप्लीकेशन की अगर बात करता हूँ, तो भाई अदर एप्लीकेशन में यहाँ पर 30-35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन इस एप्लीकेशन में लगभग 20% के हिसाब से आपको ये लोन प्रोवाइड करवा रही है। अब भाई आगे का जो प्रोसेस है, आपको अपने आधार कार्ड की तरफ अपनी KYC आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी एंड फाइनल गेट डिस्पर्समेंट पर क्लिक करके आप जो लोन का पैसा है, अपने अकाउंट में रिसीव कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर
गेट डिस्पर्सल पर क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे अब आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू आपको अपनी KYC यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो ऊपर में ही सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर फिल करेंगे एंड कैप्चर कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आधार जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी भाई, OTP को आप यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के थ्रू आपकी जो KYC वो सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। हम यहाँ पर डिजीलॉकर के थ्रू हमारे जो पिन है वो यहाँ पर डाल लेंगे एंड यहाँ पर नीचे अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर अलाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे आधार कार्ड के थ्रू हमारी KYC जो सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब भाई जिस बैंक में लोन का जो पैसा लेंगे वो बैंक की डिटेल हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो अकाउंट ब्रांच नेम हम यहाँ पर चुन लेंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे एंड ब्रांच नेम हम यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनल लोन की जो डिटेल है वो हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है। अब लोन की डिटेल आप यहाँ पर कंप्लीटली देख सकते हैं कि भाई आपको कितने रुपए का लोन मिल रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, कितने टाइम पीरियड तक आपको लोन मिल रहा है, नेट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में कितना भेजा जाएगा, टोटल रिपेमेंट आपको कितना करना होगा, आपकी जो मंथली EMI है वो कितनी बनेगी, फर्स्ट आपकी EMI किस डेट को आएगी, लास्ट EMI आपकी किस डेट को आएगी, वो सारी डिटेल आप एक बार यहाँ पर रिव्यू कर लेंगे एंड रिव्यू एग्रीमेंट पर क्लिक करके फाइनल आपको लोन का एक एग्रीमेंट करना होगा। तो आप OTP के थ्रू अपना वो एग्रीमेंट आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर रिव्यू एंड एग्रीमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइनल आपके मोबाइल नंबर पर एक और OTP आ जाएगी, OTP आप यहाँ पर फिल कर लेंगे तो आपका लोन एग्रीमेंट भी यहाँ पर कंप्लीटली बन जाएगा। लगभग 1 से 2 घंटे के भीतर आपका जो लोन का पैसा है आपने जो अकाउंट यहाँ पर डाला है उस अकाउंट में सक्सेसफुली सेंड यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपका और भी कोई कन्फ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।